विजिबल है स्क्रीन? यस सर, विजिबिलिटी। ओके, तो कल तक हम डिविजिबिलिटी पे पहुंचे थे, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं डिविजिबिलिटी के, फिर आगे स्टार्ट करेंगे टॉपिक। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, एक नंबर हमें गिवन है, उसमें दो अननोन है, यहाँ पर ये एक्स अननोन है और वाई अननोन है, और हमें क्या दिया है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 72, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है अगर ये पूरा नंबर 72 से डिविजिबल है। तो पहली चीज हमें क्या समझ में आएगा कि एक्स और वाई जो दोनों नंबर्स हैं, ये क्या है, सिंगल डिजिट है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2 से लेकर 9 तक। तो पहली चीज हमें क्या समझ में आई क्वेश्चन देख के कि एक्स और वाई सिंगल डिजिट नंबर है, तो वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 अप टू 9। 9 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं हो सकती और 0 से छोटी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो पहला पॉइंट क्लियर ही है, एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी, दिस। सेकंड, डिविजिबल बाय 72, तो 72 की डिविजिबिलिटी के लिए कैसे चेक करेंगे को प्राइम हम को प्राइम? तो ये क्या है, एक ऐसा कंपोजिट नंबर है जिसकी अलग से कोई डिविजिबिलिटी का रूल नहीं होता 72 के लिए। तो हमें क्या करना होगा, 72 को एज अ प्रोडक्ट लिखनी होगी 2 को प्राइम। तो क्या हो सकते हैं वो 2 को प्राइम? 8 into 9, 8 into 9 सर। 8 into 9, गुड। तो हम जब भी ऐसा कोई कंपोजिट होता है जिसका कोई अलग से रूल नहीं होता है, तो उसे करने का मेथड क्या होता है कि उस कंपोजिट नंबर को हम 2 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लेते हैं। को प्राइम याद रख लो अच्छे से, को प्राइम वो नंबर्स हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट वन। वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उन दो नंबर को हम कहते हैं को प्राइम। जैसे कि 8 और 9, 8 के अलग फैक्टर्स हैं अपने, 9 के अलग फैक्टर हैं, लेकिन 1 के अलावा कोई भी इनमें कॉमन नहीं है। तो 72 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें चेक करना पड़ेगा 8 और 9 की डिविजिबिलिटी। अब ये गिवन नंबर है तो हमें अब डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाई 8 एंड डिविजिबल बाई 9। जब ये दोनों से डिविजिबल होगा तो ये 72 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 के लिए क्या थी डिविजिबिलिटी? सर लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 डिजिट यानी कि 5, 7, y, ये क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कैसे चेक करें y की क्या वैल्यूज हो सकती है? तो देखो करने का क्या तरीका होता है, y की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो इसमें 0 रख दो, 5, 7, 0, और इसे डिवाइड करके देखो 8 से, क्या ये डिवाइड हो रहा है 8 से? अगर नहीं हो रहा तो क्या रिमाइंडर आ रहा है? तो 8 7 56, 10, 8 1 8। देखो रिमाइंडर क्या बचा, 2। तो 5 7 0 तो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल होगा? 576। भाई दो नंबर हम देखो रिमाइंडर के बेस पे हम ये पता कर सकते हैं, या तो इसमें से मैं 2 माइनस कर दूं तो 568 डिविजिबल होगा, या फिर इस रिमाइंडर को पूरा डिवाइजर के बराबर कर लो, तो 2 में क्या ऐड कर दूं, 6, तो 8 बन जाएगा, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो मुझे क्या ऐड करना है, यानी कि 6, तो नंबर आ जाएगा 576। तो 576 वो नंबर है जो कि 8 से डिविजिबल है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी,
इस फॉर्म का नंबर चाहिए था, सिक्स। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? सिक्स। और कोई वैल्यू भी हो सकती है, तो हम कहेंगे कि 576 के बाद अगला नंबर जो 8 से डिविजिबल होगा वो कैसे मिलेगा हमें? प्लस 8 करके, तो वो नंबर हो जाएगा 584। लेकिन 584 इस फॉर्म में नहीं आ रहा, हमें नंबर चाहिए था 57y की फॉर्म में। तो y की सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, वो क्या होगी? 6। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता, सिर्फ डिविजिबिलिटी बाई 8 होता और y की वैल्यू पूछता, तो आंसर हो जाता y इज इक्वल टू 6। लेकिन यहाँ पर 72 है, तो दो की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, 8 से भी और 9 से भी। तो 8 से तो हमें y की वैल्यू मिल गई 6, यानी 9 वाली डिविजिबिलिटी से हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो देखो क्या आएगी, 9 का क्या रूल है? डिविजिबिलिटी बाई 9, डिजिट ऑफ सम, सम ऑफ ऑल डिजिट्स सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। यस, गुड, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो ऑल डिजिट का सम कर दो, ये हो गया 1 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 7। अब वाई की वैल्यू हमें पता चल गई 6, तो ये आ गया, एक्स तो अननोन है ऐसे रहेगा, प्लस सेवन सिक्स 13 और 5 18 19 और 6 25, 25 और 8 33 एंड 1 34, यही आ रहा है, एक्स प्लस 34 आ रहा है सम ऑफ डिजिट्स। यस सर, यही आ रहा है। अब एक्स की क्या वैल्यू हो कि पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए? वो तब होता है जब सम ऑफ डिजिट क्या हो, फैक्टर ऑफ मतलब मल्टीपल ऑफ 9। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 34 के बाद कौन सा मल्टीपल आता है 9 का? 36। 36 है। या फिर 36 के बाद कौन सा आता है? 45। तो हम दोनों के लिए चेक कर लेंगे, हो सकता है x की दो वैल्यूज हो। तो x प्लस 34 शुड इक्वल टू 36, इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 2। तो एक वैल्यू तो आ गई x की 2। और हम एज अ सेफ्टी एक प्रिकॉशन लेते हुए अगले मल्टीपल को भी देख सकते हैं, क्या ये आ सकती वैल्यू? तो यहां से हमें x मिल रहा है 11। तो क्या एक्स 11 हो सकता है? नो सर, नहीं हो सकता, नो सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट है, तो ये नहीं हो सकता। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो एक्स हो गया 2, वाई हो गया 6, तो एक्स प्लस वाई हो गया 2 प्लस 6 यानी कि 8। तो हमें आंसर क्या मिला? 8। तो डिविजिबिलिटी पर इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर सबको? कोई क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। अब देखो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो ये जनरल फॉर्म, अब तुम्हें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा क्या करें। व्हेन एन इज डिविजिबल बाय 5, द रिमाइंडर इज 2। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन एन स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5? एन को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आता है। तो रिमाइंडर बताओ, जब एन स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 सर। तो कैसे करेंगे इसे? अज्यूम करेंगे सर। वेरी गुड, गुड, तुम ये समझ गए। देखो अज्यूम का कितना फायदा है, हम कोई फार्मूला कुछ की जरूरत नहीं है कहीं भी, सिर्फ अज्यूम कर लो। एन इज डिविजिबल बाई 5, रिमाइंडर इज 2। तो n की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 7। 7। देखो अगर n में 7 ले लूं, 7 को मैं अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। 2 बिल्कुल परफेक्ट है, n की 7 वैल्यू सही कर रहा कंडीशन। तो रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर इज डिवाइडेड, तो फिर क्या करो अगले 4 स्टेप में? n स्क्वायर करो, n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा?
दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। देखो इसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, हम मैथमेटिकली कर सकते हैं कि नंबर कोई भी नंबर ऐसा होता है जिसको हम 5 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 आए तो वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। देखो 5x + 2, 5x + 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमेशा 2 आएगा। तो तुमने ये जो n 7 लिया था ये सबसे छोटा था, x अगर मैं 1 ले लूं तो देखो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। अगर मैं x 2 ले लूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। x अगर 3 ले लूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। तो ये सारे नंबर 7, 12, 17 ये सब नंबर ऐसे हैं जिनको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो मैथमेटिकली अगर करना तो ऐसे नंबर पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि n इज इन द फॉर्म ऑफ 5x + 2। अब इसका स्क्वायर कर दिया तो n स्क्वायर हो गया इस नंबर का स्क्वायर, यानी कि 25x² + 2ab 20x + 4। अब इसे देखो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर को हम अलग अलग लिख के सम कर सकते हैं, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। 20x को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। लास्ट में क्या बचा, दिस, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 4। तो ये रिमाइंडर 0, ये 0, सिर्फ 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही बचेगा रिमाइंडर, तो आंसर इज 4। ये है मैथमेटिक्स कि हम मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एज्यूम करो स्क्वायर कर जीरो। यस, जीरो कैसे हो गया सर, 25x² / 25। अच्छा इस चीज को देखो समझ लो, ये आगे भी बार बार ये चीज आएगी। अगर किसी को हम प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 25x², इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × x². अब मैं इसे अगर 5 से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो क्योंकि यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, यानी ये जो 25x² है ये 5 × 5x² है, यानी 5 का मल्टीपल है ये, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती, लेकिन ये मल्टीपल किसका है 5 का। तो जब 5 का मल्टीपल है तो जब मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 0, यानी ये क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मल्टीपल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ये सब क्या मल्टीपल है, ये 5 1 5 है, ये 5 2 10 है, ये 5 3 15 है, ये 5 5 25 है। तो 5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में आ रहा है तो वो नंबर हमेशा क्या होता है डिविजिबल होता है 5 से। ऐसे सिर्फ 5 के ही साथ है 2 4 8 उसमें भी ऐसा है, किसी भी नंबर के। ओके, अगर मान लो 11 × 2501 लिखा है और मैं कहूं कि इसे 11 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा, देन 0 होगा, ये 11 के साथ मल्टीप्लाई है यानी 11 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर क्या होगा हमेशा 0। क्लियर ये चीज, ये अभी आगे आएगा कॉन्सेप्ट फिर से। यस सर, ठीक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कोई नंबर है व्हेन डिवाइडेड बाय 296 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 75, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37 देन रिमाइंडर इज, तो क्या ले लेंगे उस नंबर को, हम नंबर को ले लेंगे सिंपल 296 + 75, जैसे यहां ऊपर किया था जब n को 5 से डिवाइड कर रहे थे रिमाइंडर 2 था तो हमने सबसे छोटा नंबर क्या ले लिया था 5 + 2 = 7, तो यहां पर सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 296 + 75, यानी कि 2 7 4 इधर कम होंगे 3 7 है,
तो जब 371 को 37 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? वन। बट 371 इज 370, पूरा डिविजिबल हो जाएगा 37 से 10 टाइम्स और रिमाइंडर उसमें बच जाएगा वन। तो ये समझ गए कैसे नंबर एज्यूम करना है? जिस भी डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं उसको लिखो, उसमें जो गिवन रिमाइंडर है उसे प्लस कर दो, तुम्हें वो नंबर मिल गया। अब उसके आगे जो भी कंडीशन दी गई, उसका स्क्वायर करके डिवाइड करना है, उस नंबर को 37 से डिवाइड करना है, उस नंबर का क्यूब करके करना है, सेम उस नंबर के लिए करते चले जाओ, आंसर मिल जाएगा। क्लियर पॉइंट ये? हाँ यस सर, क्लियर। अब जैसे इस तरीके का क्वेश्चन हो, एन इज एन इंटीजर देन एन क्यूब माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, इसमें क्या करोगे भाई? एक इंटीजर नंबर को उसका क्यूब लेके माइनस कर देंगे। भाई एन इज एन इंटीजर, वो देखो क्वेश्चन में तुमसे खुद कह रहा है एन सिक्स एन आंसर होगा इंटीजर सर। है, देख लेते हैं। तो एन को इंटीजर है तो अपनी पसंद का कोई भी इंटीजर ले लो। मैं देखो वन लेता, सबसे छोटा वन था, लेकिन वन से वन क्यूब माइनस वन जीरो हो जाता, तो इतने हेल्पफुल नहीं था, तो मैं एन ले लेता हूँ टू। तो टू क्यूब माइनस टू, तो टू क्यूब माइनस टू इज एट, माइनस टू इज सिक्स। तो सिक्स किससे डिविजिबल है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या आंसर आ गया? आगे ऑप्शन थ्री। कितनी देर लगी क्वेश्चन में? बस ये सोचना है तुम्हें कि भाई एन इज एन इंटीजर, तो हर इंटीजर के लिए ये ट्रू है। सिर्फ ये नहीं है कि एन इज इक्वल टू टू के लिए ये है, एन इज इक्वल टू थ्री रखोगे तो देखो एन क्यूब माइनस एन, तो थ्री क्यूब माइनस थ्री यानी 27 माइनस थ्री 24। तो 24 के केस में तुम्हें देखो दो ऑप्शन मिलते, ऑप्शन वन भी हो जाता और थ्री भी हो जाता, टू और फोर कट जाते। तो जब भी तुम एजम्पशन करके करोगे क्वेश्चन, अगर तुम्हें दो ऑप्शन मिल जाए, एक की जगह दो ऑप्शन आए, तो एक और वैल्यू लेके ट्राई करके देख लेना, ठीक? तो कभी कभी हो सकता है कि तुम वैल्यू एज्यूम करो, तुम्हें डायरेक्ट एक ऑप्शन नहीं बचे, हो सकता है दो ऑप्शन ठीक आ रहे हो, तो एक और वैल्यू लेके देख लो। मान लो जैसे एन इज इकल टू थ्री लेके करा है किसी ने, तो उसको दो ऑप्शन सही लगते हैं कि वन भी सही है और थ्री भी सही है, टू और फोर तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं फिर, एन इज इकल टू टू लेके चेक कर लेते, तब फिर एक ही ऑप्शन बच जाता थ्री। क्लियर ये पॉइंट? यस सर, यस सर। अब देखो इसकी मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा समझ लो, काम आएगी कहीं ना कहीं। एन क्यूब माइनस एन है, एन कॉमन ले लू तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक? एन स्क्वायर माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन। ये एक्चुअल में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? देखो ये किसकी मल्टीप्लाई है, सर थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। वेरी गुड। ये क्या प्रोडक्ट है? थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि तो एन इज एन इंटीजर हमें दे रखा था, तो एन माइनस वन इंटू एन इंटू एन प्लस वन, ये किसकी प्रोडक्ट है? थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की। तो कभी भी थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की प्रोडक्ट होगी वो ऑलवेज डिविजिबल बाई होगी सिक्स से। ये याद रख लो, कहीं नोट कर लो, कहीं हेल्पफुल हो सकती है। अगर कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है उनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो वो ऑलवेज डिविजिबल बाई होगा सिक्स से।
क्यों होगा डिविजिबल बाय सिक्स से? देखो अगर तीन नंबर एक साथ लिखे हैं, जैसे मान लो 1 2 3 या 10 11 12 या फिर 4 5 6 या कोई भी तीन, कोई भी तीन तुम लिखोगे, तो तीन अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो उसमें से एक इंटीजर हमेशा थ्री से डिविजिबल होगा। होगा अगर तीन कंसेक्यूटिव लिखे हैं तो? ये सर हो, मान लो 14 15 16 भाई तीन लिखे हैं तो एक ना एक तो थ्री से डिविजिबल होगा। तो जब भी तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर आते हैं, एक नंबर तो थ्री से डिविजिबल होना ही होना है, एंड जब तीन लिखे हैं तो बीच एक ना एक उसमें इवन जरूर होगा, हो सकता दो इवन हो सकता एक इवन हो, यानी वो टू से भी डिविजिबल होगा। तो जो नंबर टू और थ्री दोनों से डिविजिबल है वो ऑलवेज डिविजिबल बाई किससे हो जाएगा? सिक्स। इसीलिए तीन नंबर की कंसेक्यूटिव नंबर की प्रोडक्ट है तो हमेशा याद रखो कि सिक्स से तो जरूर होगा। ठीक, जैसे अब तुम कहोगे कि 10 11 12 ये तो 12 से भी डिविजिबल है, तो सिक्स से तो होगा ही, सिक्स के किसी हायर मल्टीपल से भी हो सकता है, वो नंबर पे डिपेंड करेगा, लेकिन सिक्स से जरूर होगा। तो सबसे छोटे ये तीन नंबर है, इसी में हम देख सकते हैं कि ये सिक्स से डिविजिबल है, क्योंकि जब भी तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर एक साथ लिखे होंगे वो ऑलवेज डिविजिबल बाय थ्री होंगे और ऑलवेज डिविजिबल बाय टू होंगे, क्योंकि तीन में से एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो तीन से डिविजिबल होता होगा, थ्री का मल्टीपल होगा जरूर, और एक इवन नंबर जरूर होगा। क्लियर दोनों पॉइंट? इसी क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीजें छुपी हुई थी कि ये थ्री से भी डिविजिबल होगा जरूर और टू से भी होगा। तो ऐसे नंबर जो थ्री और टू दोनों से डिविजिबल होते हैं वो डिविजिबल बाई किससे हो जाएंगे? सिक्स से। ठीक, ये इस क्वेश्चन के पीछे की पूरी मैथ्स थी, लेकिन आपको जरूरत नहीं, आपने कहा एन इज एन इंटीजर, एन इज इक्वल टू टू रखा और देख लिया किससे डिविजिबल है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एग्जाम में यही अप्रोच हमारी काम आती है, टाइम भी बचाती है, क्वेश्चन भी जल्दी करती है। अब जैसे ये है, एन इज एन इवन, सिक्स की पावर एन माइनस वन इज डिविजिबल बाई, क्या करेंगे इसमें? 2 ले लेंगे एन की जगह, 35 आ जाएगा आंसर। वेरी गुड, सीधे क्या करो भाई, इवन है 2 ले लो, एन इज इक्वल टू 2 लो, 6 की पावर एन यानी 6 स्क्वायर माइनस 1 35 से डिविजिबल हो गया, यही आंसर है। अब जो 2 के लिए ट्रू है वो 4 के लिए भी होगा, 6 के लिए भी होगा, 10 के लिए भी होगा, 12 के लिए भी होगा, लेकिन हम बड़ी वैल्यू लेके क्यों ज्यादा कैलकुलेशन करें, तो हम सीधे इससे कर सकते हैं। क्लियर ये अप्रोच? ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं इसी चैप्टर में हो, कई चैप्टर्स में ये अप्रोच लगती है। जब भी कोई जनरल ऐसा स्टेटमेंट होगा कि एन इज दिस देन फाइंड द रिलेशन, तो एन है उसी हिसाब से एज्यूम कर लो और आंसर देख लो क्या आ रहा है। अगर दो ऑप्शन आ जाए इस अप्रोच में, बस ये एक लिमिटेशन है कि कभी कभी दो ऑप्शन तुम्हें सही लगेंगे तो फिर हमें एक और वैल्यू लेके चेक करना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट ये? यस यस सर, यस सर, वेरी गुड। चलो अब ये नंबर एक, ये नंबर क्या है एक्चुअल में, ये 1 2 3 4 5 6 से लेके अगर हम बात करें 49 50, इन सारे नंबर को मिला के लिख दिया है। देखो 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 फिर 10 फिर 11 ऐसे 48 49 50। एक नंबर हमने बनाया जिसमें 1 टू 50 जितने नेचुरल नंबर होते हैं उन सबको मिला के एक पूरा एक बड़ा सा नंबर बन गया। अब वो कह रहा है इस नंबर को अगर 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? 6 है। तो तुम्हें क्या करना है, लास्ट की चार डिजिट
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 है कि लास्ट की फोर डिजिट क्या होनी चाहिए, 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, अगर डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमसे डिविजिबिलिटी नहीं पूछी, रिमाइंडर पूछा है। तो फिर हम उसी चीज को एक्सटेंड करते हैं कि लास्ट की फोर डिजिट को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा वही, इस पूरे नंबर को अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तब भी वही रिमाइंडर आएगा। तो मुझे पूरे नंबर को देख के कि इतना बड़ा नंबर है कैसे होगा, कुछ नहीं, सिर्फ लास्ट की चार डिजिट लेनी है और उसको 16 से डिवाइड करना है बस। सिक्सटीन थ्री जा 48, 15 150, 16 नाइन जा 144 143। तो ये जो सिक्स रिमाइंडर आया है यही रिमाइंडर तब भी आएगा जब पूरे नंबर को आप 16 से डिवाइड करो। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स डिजिट नंबर विच इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन डिजिट फ्रॉम 1 to 9, सेम नंबर इज रिपीटिंग 6 टाइम, यानी कि नंबर ऐसे है 111, 111, या फिर 222, 222, या फिर 999, 999, इसी फॉर्म का नंबर है कोई, सेम नंबर रिपीटिंग 6 टाइम। तो ये नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 7, 11, 13, ऑल ऑफ दीज कांट बी डिटरमाइंड। तो हमें इन तीन नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ये नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल है या नहीं। क्या कहोगे, किससे डिविजिबल है ये? 11 से सर, 11 से तो है, ऑप्शन डी होगा सर। 11 सर सबसे हो जाएगा ये ऑल ऑफ दीज। ओके, 11 से तो है, लेकिन एक ऑप्शन ये भी है, तो अब हमें थोड़ा केयरफुल होना है। तो या तो आंसर बी होगा या फिर डी होगा, यही तो हो सकता है ना। अगर 7 से भी डिवाइड हो गया यानी ऑल ऑफ दीज आंसर है, अगर 7 से नहीं हो रहा तो 11 वाले ही आंसर होगा। तो देखो, एक अभी हमने पिछली क्लास में एक शॉर्टकट पढ़ा था, क्या था वो शॉर्टकट डिविजिबिलिटी चेक करने का, फॉर तीन नंबर्स के लिए, 7, 11 और 13, इन्हीं तीनों नंबर्स के लिए था। क्या था शॉर्टकट, कि अगर कोई नंबर हमें गिवन है हम उसके क्या करें, लास्ट की तीन डिजिट्स को अलग कर लो और बाकी जो डिजिट बच रही हैं उनमें से माइनस कर दो। तो इस केस में क्या होगा, दोनों सेम वैल्यूज हैं तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो तो अगर इन दोनों का डिफरेंस 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने का काम आ सकता है, 11 से आ सकता है, और 13। तो जीरो के केस में यानी ये 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना रूल, कि अगर मैं तुमसे पूछूं 5, 8, 6, 7, 1, 2 कि ये नंबर 7, 11 या 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, लास्ट की तीन डिजिट अलग कर लो और बाकी जो डिजिट बची, चाहे तीन डिजिट है, चार है, पांच है, दो है, कितनी भी डिजिट बच रही है उनको अलग लिख लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अगर इनका डिफरेंस यहाँ जो भी वैल्यू आई या तो जीरो आए या फिर इनके मल्टीपल आ जाए तो ये इन नंबर से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये शॉर्टकट है तीन नंबर्स के लिए, 7, 11 और 13 के लिए। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जीरो आ रहा है, तो जीरो मतलब 7 से भी डिविजिबल है, 11 भी और 13। चलो, अ फोर डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय रिपीटिंग टू डिजिट नंबर एज दिस, एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, 11, 13 या फिर
स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर। क्या होगा इसमें? एक फोर ऑप्शन फोर होगा इस फॉर्म में, ऑप्शन फोर। कैसे करेंगे इसे सर? तीनों से करके देख लेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर एक ही ऑप्शन बचा। सही है भाई। 2525 ये एक नंबर लिखा है, इसको मुझे चेक करना है सेवन से डिविजिबल है या नहीं। तो सेवन से इसे देख लो डिविजिबिलिटी, या तो ऑस्कुलेटर मेथड लगा लो, वरना अगर ऑस्कुलेटर भी याद नहीं आ रहा तो सीधे सेवन से डिवाइड करके देख लो कि डिवाइड हो रहा है या नहीं। ऐसे सेवन से चेक कर लो, इलेवन से कर लो, थर्टीन से कर लो, अगर किसी से नहीं आया तो ये तो आंसर होगा ही फिर ऑप्शन फोर। तो जरूरी नहीं हर क्वेश्चन के लिए कि हमें कोई फार्मूला ही पता हो तभी हम उसे करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा नंबर है कोई, तो हम इसी नंबर को उठा लेते हैं कि अच्छा तुमने हमें एग्जाम्पल दिया तो इसे ही ले लेते हैं, यही नंबर है मान लो। अब इसे चेक करके देख लो, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ऑलवेज यानी कोई भी नंबर होगा उसको डिविजिबल होना चाहिए। अगर हमें इससे पता चल गया कि सेवन से डिवाइड करके देखे सेवन से नहीं हो रहा डिवाइड, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इलेवन के लिए, थर्टीन के लिए ये देख लेंगे। तो देखो एक चीज होती है कि रूल याद आना, सेवन थर्टीन का ऑस्कुलेटर मेथड है, इलेवन का ऑल्टरनेट वाला है, या तो रूल याद आ जाए हमें। नहीं आ रहा तो सेवन से ऐसे डिवाइड करके देख लो कि भाई ये डिविजिबल है या नहीं। लो हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा तो हमने बिल्कुल ऐसा कर लिया कि डिविजिबल है या नहीं। नहीं है डिविजिबल, हमें पता चल गया ये डिविजिबल नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान रखना है कि इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम किसी मेथड और उसको याद करने के चक्कर में पड़े। मेथड याद है तो अच्छी बात है, तुम जल्दी कर लोगे, फास्ट कर लोगे, लेकिन नहीं याद तो भाई इतना ही करके देख लो कि सेवन से डिविजिबल है या नहीं, सेवन से सीधे डिवाइड ही करके देख लो। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर। क्या होता है स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर? 101। तो ये तो हमने डायरेक्ट ऑप्शन से कर लिया। अब अगर इसे हम मैथमेटिकली करते तो कैसे करते? देखो ये है इसके पीछे की मैथ्स की, 2525 इसे हम लिख सकते हैं 25 × 100 + 25, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे ही तो ब्रेक करूंगा ना, 2500 + 25 ऐसे लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। 25 कॉमन ले लो, क्या बचा? यानी जो उसने देखो दूसरा नंबर दिया 32, ये क्या बन जाएगा 32 × 10। तो कोई भी नंबर इस फॉर्म में अगर लिखा होगा तो वो हमेशा किसका किसका मल्टीपल बन रहा है, 101। तो इसको ऑलवेज डिविजिबल बाय थ्री डिजिट प्राइम नंबर यानी 101 से तो ये डिवाइड होगा ही होगा जरूर। ठीक, ये हो गया डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन हमारा। अच्छा देखो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सेम डिजिट रिपीट हो रही थी, मैं एक चीज समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ। मान लो थ्री डिजिट नंबर ऐसे रिपीट हो रहा हो तो ये तो हमें शॉर्टकट से समझ में आ रहा है कि ये सेवन से भी डिविजिबल है, इलेवन से भी और थर्टीन से। लेकिन इसको अगर मैं इसी तरीके से लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 243000 + 243। तो अगर 243 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 100
ये आ जाएगा 243 × 1001। अब ये नंबर स्पेशल नंबर है, देखो 1001 ये एक्चुअल में क्या है, 7 × 11 × 30 इन्हीं तीन नंबर की मल्टीप्लाई है, 7, 11 और 13। तो ऐसे नंबर जो कि 1001 के मल्टीपल है वो हमेशा क्या होंगे, 7 के भी मल्टीपल होंगे, 11 के भी मल्टीपल होंगे और 13 के भी मल्टीपल होंगे। तो इस नंबर को कहीं लिख लो और याद रखो कि ये 7, 11, 13 का मल्टीपल है, ये स्पेशल नंबर है। 1001 इज इक्वल टू 7 × 11 × 30। ठीक, नोट कर लो बस इसे, स्पेशल नंबर याद आ गया मैंने। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ये है हमारा मेन टॉपिक। जब आता है क्वेश्चन में क्या कि हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, यानी कोई भी ऑपरेशन हो सकती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई पावर रेज्ड है, और हमसे सिर्फ क्या पूछा होता है कि यूनिट डिजिट बताओ बस। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे साइक्लिसिटी का, कि यूनिट डिजिट कैसे रिपीट होती। तो हमने अगर टू की हम देखें, 2 × 1 = 2, यानी हम 2^2 की बात करें तो आंसर क्या आएगा, 2। 2^2 कितना होता है, 4। 2^3 8। 2^4 कितना होता है, 16। अब मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूं, देखो यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट जो होती है उसकी बात कर रहे हैं। 2^5 की यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट, 2। 2^6 की, 4 सर। अब देखो क्या हो क्या रहा है, 2^9 करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगी, यानी 2 की कोई भी पावर हो, 1000 हो, 2000 हो, 1,00,000 हो, 1,00,000 हो, कुछ भी पावर ले लो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, या तो 2 होगी या 4 होगी या 8 होगी या फिर 6 होगी। यही चार ऐसी डिजिट्स हैं जो कि लास्ट में आएंगी, यूनिट डिजिट पे आएंगी, 2 की कोई भी पावर ले लो आप। सो दिस इज नोन एज साइक्लिसिटी, कि यूनिट डिजिट ऑफ 2^n क्या होगा, हमेशा या तो 2 होगा यूनिट डिजिट, या 4 होगी या 8 होगी या फिर 6 होगी। इसके अलावा कोई आ सकती है, 1, 5, 7, 0, कुछ नहीं आ सकता, यही होगी। तो इसको हम कहते हैं साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट, कि ये रिपीटिशन होने लगेगा, 2, 4, 8, 6, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, 8, 6। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, कि डिजिट रिपीट होंगी, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं सिर्फ, सिर्फ यूनिट डिजिट की, और किसी डिजिट की नहीं। अच्छा अब ये बताओ, हमने एक ग्रुप बनाया देखो साइक्लिसिटी के लिए, इसमें जीरो भी ऐड कर लेते हैं हम। अगर हम ऐसे नंबर की पावर निकाल लें जिसके लास्ट में क्या है, 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएंगी, देखो मान लो 10^20, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 0। भाई 10 × 10 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 20 times, हमेशा क्या होगी, 0। अगर 1 है, 1 की कोई भी पावर ले लो, हमेशा क्या आएगा, 1 1। या फिर जिसके लास्ट में 1 है, इसकी कोई भी पावर ले लो, मान लो 57, तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 1। 5 5 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो,
कितनी भी पावर ले लो, मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स करो, वो उसकी पावर हो जाती है। जैसे 4 बार किया तो ये हो गया 5 की पावर 4, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5 5। और 6 के साथ भी ऐसी होता है, देखो 6 की हम टेबल पढ़ते हैं, 6 1 6 पावर, मतलब टेबल नहीं पावर समझो, 6 स्क्वायर 36, 6 क्यूब 216, हमेशा लास्ट में क्या रहेगा 6। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा नंबर गिवेन है जिसके लास्ट में ये है, 0 है 1 है 5 है या 6 है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी? सेम वही डिजिट। अगर लास्ट में 0 हो तो यूनिट डिजिट भी 0 होगी, लास्ट में 1 है तो 1 ही आएगा, लास्ट में 5 है तो 5 ही आएगा, लास्ट में 6 है तो 6 ही आएगा। यानी अगर मैं तुम्हें ऐसे दे दूं 2021 रेस टू द पावर 2021, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 1 1। तो यूनिट डिजिट निकालते वक्त तुम्हें बाकी सारे नंबर से कोई मतलब नहीं होता, तुम सिर्फ किस पे फोकस करते हो? इस वाली डिजिट। अब 1 है, 1 की तो कोई भी पावर ले लो, हमेशा क्या आएगा 1। तो 0 1 5 6 अगर लास्ट में है तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे वही नंबर लिख देना है। क्लियर ये यहाँ तक पहला ग्रुप सबको? यस सर क्लियर है। यस सर। ग्रुप टू, ग्रुप टू में देखो सिर्फ 2 नंबर आते हैं, ग्रुप टू में 2 आते हैं 4 और 9। तो 4 की अगर हम पावर 1 करें तो क्या मिलता है हमें? 4। 4 स्क्वायर कर दें तो क्या मिलता है? 6। सब यूनिट डिजिट लिख रहा हूं मैं, देखो बस और कुछ नहीं। 4 की पावर 3 क्या हो जाती है? 64। यानी फिर से 4। 4। 4 की पावर 4 6। तो एक पैटर्न हमें दिख रहा है, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ऐसी देखो 9 के लिए, 9 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा? 9। 9 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी यूनिट डिजिट? 1 1। 9 क्यूब, नाइन। 9 4 1 1। तो इन देखो 2 में एक पैटर्न है कि 4 या 9 है, तो ये डिपेंड करता है सिर्फ 2 चीज पे, कि पावर अगर ऑड है तो 4 के केस में 4 ही हो जाता है और 9 के केस में 9 ही हो जाता है यूनिट डिजिट, और अगर पावर इवन है तो 4 के केस में हो जाएगी यूनिट डिजिट 6 और 9 के केस में हो जाएगी 1। तो सिर्फ 2 केसेस हैं। यानी अगर मैं तुमसे कहूँ 2719 रेस टू दी पावर 99, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 9। तो बस तुम्हें देखो इन सब नंबर से कोई मतलब नहीं, तुम कहोगे अच्छा 9, 9 की पावर क्या है? ऑड। तो 9 की पावर ऑड वाला ये केस हो गया, यानी 9 की पावर 1 वाला केस, यानी 9 विल बी द यूनिट डिजिट। तो 2719 रेस टू द पावर 99, इसकी यूनिट डिजिट 9। तो सेकंड ग्रुप क्लियर? 4 और 9, 4 और 9 जहां भी आएगा हमें सिर्फ पावर देखनी, ऑड है या इवन है। अब ये लास्ट ग्रुप है, देखो 10 ही डिजिट्स हो सकती हैं, 0 से लेके 9, 10 डिजिट्स हो सकती थी। तो 10 डिजिट्स क्या है? 3 ग्रुप में हो गए, ग्रुप 1, 0 1 5 6। तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, अगर ये आ गया तो यही होगा। ग्रुप 2 में आ गया 4 और 9, इसमें पावर ऑड इवन देखनी है। और लास्ट ग्रुप बचा हमारा 2 3 7 8। तो 2 3 7 8 जो होता है इसकी साइकिल होती है 4, जैसे अभी 2 की देखी थी शुरू में हमने, तो वहां पर क्या हो रहा था 2 4 8 6, इसके बाद फिर रिपीटिशन 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, ऐसी चलती रहेगी साइकिल। 3 की पावर n, देखो 3 की पावर n क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9,
थ्री क्यूब इज 27, तो मैं खाली 7 लिख रहा हूँ, 3 की पावर 4 इज 81, तो ये आ गया 1। अब 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा, फिर से 3, फिर से 9, तो इसी तरीके से यानी 3971, 3971, इसी तरीके से रिपीटेशन। 7 के लिए 7 की पावर 1 7, 7 2 7 स्क्वायर मतलब 49, 7 क्यूब 3, 7 4 फिर से 1, तो 7931, 7931 इस तरीके से चलेगा। 8 के लिए 8426, 8426 ये चलेगा। तो हमें क्या याद रखना था कि 2378 अगर आएगा तो क्या होगा, इनकी यूनिट डिजिट अगर निकालनी है तो हमें एक साइकिल मिलेगी 4 की, मतलब 4 4 टर्म्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रही होगी। तो 2 के लिए कौन सी वैल्यूज होंगी, तो तुम्हें सिर्फ ये शुरू वाली पावर्स याद रखनी है बस, इन्हीं से तुम्हें चारों डिजिट्स पता चल जाएंगी जो रिपीट हो रही। 3 के लिए सिर्फ ये पावर्स, तो अगर तुम्हें वैसे नंबर याद नहीं है तो इस तरीके से याद रख लो कि शुरू की जो चार पावर हैं उन्हीं से हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगी, किसके लिए, 2378 के लिए। तो ये इन चार के लिए हमें ये यूनिट डिजिट याद रखनी है, जो शुरू की चार पावर्स की यूनिट डिजिट होती है, जो कि ये है 2486 है 2 के लिए, 3971 है 3 के लिए, 7931 है 7 के लिए, और 8426 है 8 के लिए। तो यहां तक समझ गए कि तीन ग्रुप बनेंगे यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन के लिए। 0156 है तो वही हो जाएंगी यूनिट डिजिट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 4 और 9 है तो पावर ऑड इवन देखनी है। 2378 है तो एक साइकिल बन रही होगी चार चार की, चार चार के बाद रिपीटिशन हो रहा होगा। तो इसका हम देख लेते हैं कि कैसे निकालना है। तो अगर 2 की पावर n, 3 की पावर n, 7 की 8 की पावर n आ गई तो कैसे करना है, मान लो 1024 रेस टू द पावर 57, ये अगर मैं पूछूं तो क्या आंसर होगा यूनिट डिजिट का, फोर इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ फोर इस डिजिट का मतलब है 4, तो 4 की पावर ऑड, 4 की पावर ऑड वाला केस हो गया, 4 की पावर 1 वाला केस, यानी 4। अगर ये होता 2576 रेस टू दी पावर 102 तो यूनिट डिजिट क्या होती, सिक्स 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 तो 6 में तो कुछ सोच नहीं, 0156 में कुछ सोच नहीं, यही होगी यूनिट डिजिट। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूँ 1277 रेस टू दी पावर 62, यूनिट डिजिट क्या होगी, टू सर नहीं तो अब सिक्स देखो, अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या मिल गया लास्ट में, अब 7, यानी हमें इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, बाकी और नंबर से कोई मतलब नहीं। 9 होगा सर। अब देखो 7 की पावर 62, तो अब तुम्हें क्या करना वन पड़ेगा, होगा अभी देख लेते हैं क्या होगा। अब देखो, अब याद करो कि 7 की पावर 62 निकालना है तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, या तो ये डिजिट होगी नहीं, 7 ही होगा सर। ओके, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, ये चार डिजिट होंगी। ठीक, 7931 होगी। यस सर, यस सर। ठीक, अब ये देखो पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब ये देखो APY एक चीज पड़ी थी, सीक्वेंस में वही चीज है। एक्चुअल में यूनिट डिजिट क्या हो रही है, ऐसे रिपीट हो रही है ना, ये कंटिन्यूअस है ना प्रोसेस आगे।
ये कब मिल रहा है हमें, जब 7 की पावर 1 है। ये कब मिल रही है यूनिट डिजिट, जब 7 की पावर 2 है। ये कब मिल रही है, जब पावर 3 है। ये मिल रही है जब पावर 4 है। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। इस तरीके से आगे चल रहा है, फिर से 9 पे फिर से 7 हो जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि 7 की पावर 62, यानी ये 1 पे तो 7 है, 2 पर ये है, 3 पर ये है, ऐसे 62 पे कौन सी डिजिट होगी। क्वेश्चन इज दिस। 9 होगा सर आंसर। सर उसके लिए 7 के पावर जो 62 है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसका मतलब ये कर लेंगे। हाँ, तो अब हम हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में चेंज होगी, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस का क्वेश्चन बन गया है, कि हमें सीक्वेंस का पैटर्न पता है कि 7 9 3 1 रिपीट हो रहा है बार बार, 7 9 3 1। तो हमें ये बताना है इसके 62 नंबर पे कौन सा सीक्वेंस आएगा, है ना। अब इसको जरा अलग तरीके से देखो, अब यूनिट डिजिट के तरीके से छोड़ के हम आ गए सीक्वेंस पे, कि हमें 62 नंबर पे कौन सा डिजिट आ रहा है ये बताना है। सर 9 आएगा। 9। यस 9 आ रहा है। अब तो क्या करना है, कितने कितने पे रिपीटिशन हो रहा है, चार चार पे। तो अगर मैं 62 को 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचा, 2। यानी कि 4 4 ऐसे 15 बार तो ये पूरे 4 आ चुके होंगे भाई। इसका मतलब ये हुआ ना, 15 टाइम्स ये 4 4 पूरे आ गए, यानी हम कहां तक पहुंच गए, 60 तक पहुंच गए। अब 61 में कौन सा नंबर होगा, 7, और 62 पे कौन सा होगा, 9 9। तो हम एक्चुअल में हमने ये किया है कि सीक्वेंस में से 15 15 कितनी बार पूरे आ गए उन्हें हटा दिया, और जो अब लास्ट में बच रहा है उसके बेस पे हमने आंसर कर दिया। इसलिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि 2 3 7 8 का अगर कोई क्वेश्चन आएगा यूनिट डिजिट निकालने का, तो हम सीधे जो भी पावर होती है उसे 4 से डिवाइड करते हैं। ये याद रखो, 4 से करते हैं। यूनिट डिजिट किसकी निकालनी है, 2 3 7 8 की, लेकिन डिवाइड किससे करोगे, 4 से, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। यानी वो जो रिपीटिशन हो रहा है, सीक्वेंस जो बन रहा है, वो 4 4 के बाद बन रहा है, इसलिए हम 4 से पावर को डिवाइड करते हैं। जो रिमाइंडर आता है हमारा उसके बेस पे हम बता देते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो 2 3 7 8 की कोई भी पावर आई निकालने की, सिंपल क्या करना है, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो और आंसर बता दो। बस एक चीज याद ये रखनी है कि कभी भी रिमाइंडर 4 नहीं होगा। तो ये वाला केस कब बनेगा, जब रिमाइंडर क्या होगा, 0 0 सर। ये रिमाइंडर 1 होता तो ये आंसर होता, यानी यूनिट डिजिट 7 होती, रिमाइंडर 2 होता है मतलब इसमें तो 9 है, रिमाइंडर 3 होता तो यूनिट डिजिट 3 होती, और रिमाइंडर 0 होता तो यूनिट डिजिट 1 होता। कभी भी 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, तो ये हमें याद रखना। तो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, 4 4 का एक सीक्वेंस बना रहे हैं, और उसमें वाली पावर देख रहे हैं कि 62 वाला कौन सा टर्म आएगा। क्लियर हो गया ये यूनिट डिजिट निकालने का। यस सर। यस सर। 4 और 9 तो आसान है, उसमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी। ये बताओ 3 रेज टू द पावर 102 की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो पहले देखो 9, किस ग्रुप में लाए। वेरी गुड। किस ग्रुप में लाई कर रहा है, ग्रुप 3 सर, यानी जिसकी साइक्लिसिटी 4 है। तो सीधे क्या करना है तुम्हें, 102 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 8 22, 4 5 20 2, रिमाइंडर क्या आ गया, 2। तो अब 3 की याद कर लो, 3 की पावर 1 यानी यूनिट डिजिट 3, 3 स्क्वायर यानी 9, 3 क्यूब यानी 7,
और 3 4 यानी 1, रिमाइंडर 2 यानी कौन सा केस हो गया, तो यूनिट डिजिट विल बी 9। ठीक, सिंपल है बिल्कुल, क्वेश्चन नहीं। यस सर। अच्छा अब एक मुझे बताओ, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2023 डिवाइड रेस टू द पावर 102757, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 3 3 होगी। चलो ठीक है। यस सर। तो देखो हमें क्या करना था, देखो इन सब नंबर से कोई मतलब नहीं, लास्ट में क्या है 3, यानी हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम इसकी यूनिट डिजिट निकालना है, इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वही पूरे नंबर की भी होगी। अब यूनिट 3 यानी ग्रुप थर्ड में साइक्लिसिटी 4 वाला है, तो हमें इसकी पावर को क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और हमें रिमाइंडर चाहिए होगा, रिमाइंडर से आंसर होगा, क्वेश्चंट वगैरह से कोई मतलब नहीं, रिमाइंडर से, सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। तो अभी अभी हमने पिछली क्लास में 4 की डिविजिबिलिटी में पढ़ा था कि अगर हमें लास्ट के 2 डिजिट जो है इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें और जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वही क्या होगा, इस पूरे नंबर को अगर 4 से डिवाइड करोगे तब भी सेम रिमाइंडर आएगा, तो क्यों पूरे नंबर को डिवाइड करें, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। तो ये आ गया 15 4 60 होता है, यानी 14 4 56, क्या बचा 1, तो 1 यानी इस पूरे नंबर को भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1, और रिमाइंडर 1 यानी कौन सा केस है, ये वाला, तो यूनिट डिजिट क्या होगी 3, दिस इज द आंसर। क्लियर सबको, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ में आ गया तो फटाफट आंसर होते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। तो चाहे 2 की बात हो, 3 की बात हो, 7 की बात हो, 8 की बात हो, पावर को हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर होगा उसके बेस पे आंसर कर देना। 8 raised to the power 75, ये तो फिर से वही चीज आ गई, उसी ग्रुप का है, सीधे पावर को क्या करो 4 से डिवाइड कर दो। क्या आएगी यूनिट डिजिट? 2 आएगी, 2 आएगी सर। 75 को 4 से डिवाइड करना है, पता नहीं कितने टाइम जाएगा, लेकिन 72 टाइम्स चला जाता है मुझे पता है, तो 3 आ रहा है, अब रिमाइंडर 3 है, तो 8 के केसेस बना लो, 8 की पावर 1 8, 8 स्क्वायर 64, 8 क्यूब में आएगा 2, और 8 की पावर 4 में आएगा 6, तो ये पैटर्न है 8 4 2 6 8 4 2 6, तो रिमाइंडर 3 यानी ये वाला केस, तो यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, 2 आंसर। ठीक, 2 आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। गुड, अब आओ जरा इस पर, इसकी यूनिट डिजिट बतानी। देखो एक छोटी सी चीज मैं यहां पहले बता देता हूं कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 63 into 65 इसकी यूनिट डिजिट बताओ, तो एक्चुअल में ये क्या, देखो मल्टीप्लीकेशन है, अगर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ लिखूं तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता 63 into 65, तो मैं कैसे करता, 5 3 15, 1 carry 31, फिर यहाँ क्रॉस लगाता, देन 6 3 18, 1 carry 37। तो देखो यूनिट डिजिट किसकी वजह से आई, सिर्फ किसकी मल्टीप्लाई की वजह से, 3 और 5 की,
तो अगर ऐसे मल्टीप्लीकेशन में, तो फिर हमें इन सब नंबरों से कोई मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ क्या लेना है सेवन होगा। इसकी। अच्छा अभी देख लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट देखो कि अगर हमें ऐसे यूनिट डिजिट निकालनी, तो बाकी सारी डिजिट को हटा दो, सिर्फ यूनिट वाली रख लो। 3 5 15, यानी लास्ट में क्या आएगा 5। तो अगर मैं तुमसे ये भी कहता 2973 × 2875, अभी भी तुम क्या करते भाई? ये सारे हटा दो, 3 × 5, अभी भी यूनिट डिजिट क्या होगी? 5। तो यानी हम अगर इन दो पावर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं इसकी अलग यूनिट डिजिट निकाल लूं और इसकी यूनिट डिजिट निकाल लूं और उनको मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मुझे ये क्या सब मिल करना जाएगा। है, मुझे क्या करना है, 3 5 7 5 9 इसकी यूनिट डिजिट निकाल लूं, 59 रेज टू द पावर 3 5 7 इसकी यूनिट डिजिट निकाल लूं और उनके मल्टीप्लाई कर दूं। तो पहली चीज कि मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने क्या करा कि अलग अलग यूनिट डिजिट निकाल दूं, जो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहले उनकी यूनिट डिजिट निकाल दूं। तो ये हुआ पहले शॉर्टकट जो हमने करा। दूसरा शॉर्टकट कि भाई 3 5 7 रेज टू द पावर 70 59 है, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ किसकी पावर देखनी, वो यूनिट डिजिट देखनी, 7 रेज टू द पावर 59 की, मैंने इसे भी हटा दिया। दूसरा शॉर्टकट अपना लिया कि भाई जो नंबर्स हैं उनमें से भी यूनिट डिजिट निकालने के लिए जो लास्ट की डिजिट है उसकी पावर देखो बस, बाकी सबको हटा दो। ऐसे मैं इधर करूंगा, यहां पर मैं यूनिट डिजिट निकालूंगा 9 की पावर 357। दूसरे स्टेप भी क्लियर, पहला मल्टीप्लीकेशन है तो जो भी मल्टीप्लीकेंड है, जो जिनकी मल्टीप्लाई हो रही है उनकी यूनिट डिजिट अलग अलग निकाल लो, उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। अब उनकी अलग अलग यूनिट डिजिट निकालने के लिए, भाई 357 है तो 3 और 5 को तो हटा दो, सिर्फ 7 रेज टू द पावर 59 से हमें यूनिट डिजिट पता चल जाएगी। तो 7 कौन से ग्रुप में आता है? थर्ड ग्रुप में, विद अ साइक्लिसिटी ऑफ 4, यानी इसकी पावर को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर के बेस पे तुम्हें बताना होगा। तो क्या आ रही है 7 रेज टू द पावर 59 की यूनिट डिजिट? 3 सर। 3 आ रही सबकी? यस सर। भाई क्या करना होगा, 59 को 4 से डिवाइड करेंगे, भाई 60 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी रिमाइंडर 3 होगा इसमें। तो 3 पे 7 की पावर 1 होता है 7, 7 स्क्वायर होता है 9, 7 क्यूब हो जाता है 3, 3 आ रहा है। यस, 9 रेज टू द पावर 357 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 9 सर। 9 भाई, ये 9 वाला केस है, ग्रुप 2 है, ऑड इवन से पता चलेगा, तो ये ऑड है पावर, यानी 9 की पावर 1 वाला केस, यानी कि 9। तो इसकी यूनिट डिजिट हो गई 3, इसकी यूनिट डिजिट हो गई 9। तो मल्टीप्लीकेशन में हमें सिर्फ इसी से पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। दिस विल बी अवर आंसर। तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 7 इस प्रोडक्ट की। क्लियर ये पॉइंट सबको? यस सर। अब जरा इस पर आओ, इस तरीके की 17 रेस टू द पावर 16 रेस टू द पावर 15। तो पहली चीज हमें क्या समझ में आई, तो 17 1 हटा दो, सिर्फ क्या बचा 7, मतलब जो 7 की ये पावर होगी वही यूनिट डिजिट 17 की भी होगी। ये तो चीज समझ में आ रही है कि मैं क्यों हटा रहा हूँ सारे, सिर्फ लास्ट वाला नंबर रख रहा हूँ। अब 7 यस कौन सर। से ग्रुप में आता है? 7 कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 3। इसकी साइक्लिसिटी 4 हो सर। फोर साइक्लिसिटी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो ये पावर है इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 16 रेज टू द पावर 15 डिवाइड बाय 4,
और उसका जो रिमाइंडर आएगा उससे मुझे पता चलेगा। तो कोई बता सकता है 16 की पावर 15 को अगर 4 से डिवाइड करो तो डर होगा? 1 0 सर 0 होगा लेकिन 16 रेस टू द पावर 15 का क्या मतलब है? देखो इसका मतलब है 16 इंटू 16 इंटू 16 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 15 15 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी को तो कहते हैं ना, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं इंडेक्स फॉर्म में। ठीक है, अब देखो 16 16 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसको मैं इस तरीके से भी तो सोच सकता हूँ ना कि 4 इंटू 4 इंटू, मान लो सारे 16 फिर ऐसे लिखे हुए, तो ये सब क्या है, 4 के मल्टीपल है। तो अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। ये अभी देखो पीछे पड़े थे ना, यही चीज पूछा था क्वेश्चन ये। तो अगर कोई नंबर मल्टीपल में आ जाए, प्रोडक्ट में वही नंबर आ जाए और उसी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 होना ही होना है। ये समझ में आ रहा है रिमाइंडर 0 कैसा है यहाँ पर? यस सर। यदि फिर अभी आगे फिर आएगा ये कॉन्सेप्ट, इसलिए दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लो कि भाई 4 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, उसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमेशा 4 का मल्टीपल होगा। कोई सी भी पावर हो, कितने भी टाइम्स डिवाइड हो, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड होगा, इस बात की गारंटी है। तो रिमाइंडर क्या होगा? हमेशा 0। तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो कौन सा आंसर होगा इस बार? 7 की पावर रिमाइंडर 0 वाला 1 होगा सर। ठीक, ये केस कब आता? जब रिमाइंडर 1 होता। ये केस कब आता? जब रिमाइंडर 2 होता। ये केस कब आता? जब रिमाइंडर 3 होता। रिमाइंडर 0 वाला केस ये है, यानी यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी? 1। कभी भी रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, लास्ट वाला केस जो होता है वो रिमाइंडर 0 के लिए होता है। क्लियर? अब आ जाओ इस पर, इसका बताओ कोई जल्दी से क्या होगा। नाइनटीन रेस टू द पावर 17 रेस टू द पावर 15 यूनिट डिजिट। तो पहले तो हम इस 1 1 सबको हटा दो, कुछ सिर्फ लास्ट को रखे रहने दो। अब देखो ये आ गया 9। 9 कौन से ग्रुप में है? 2 में, ग्रुप 2। तो 9 के दो केसेस हैं यूनिट डिजिट के लिए, या तो n ऑड हो या फिर n इवन हो। ऑड हो तो 9 के पावर 1 वाला केस, यानी 9 होगी यूनिट डिजिट। इवन होगा तो 9 स्क्वायर यानी 81, 1 वाला। तो इसमें कौन सा केस आएगा? ऑड वाला। देखो यहाँ पावर क्या है, 17 रेस टू द पावर 15, यानी 17 इंटू 17 इंटू 17 कितने टाइम्स? 15 टाइम्स। तो ये वैल्यू ऑड होगी या इवन, बस हमें ये चेक करना है। तो पहले एक दो नंबर की मल्टीप्लाई सोचो, 17 इंटू 17 क्या होगा, फिर देखो 7 से फिर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, तो हमेशा क्या आएगी? ऑड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑड वाला केस है ये, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 9। ठीक, तो नॉर्मल पावर की जगह कभी कंपोजिट, इसे हम कहते हैं कंपोजिट टाइप में, यानी पावर रेस टू द पावर ऐसे फॉर्म में दे देते हैं। सर अगर इसमें 19 रेस टू द पावर 16 रेस टू द पावर 15 होता, एक इवन और एक ऑड होता, तो कैसे होता है? 16 रेस टू द पावर 15 का मतलब हो जाता
16 into 16 into 16 कितने टाइम्स? 15 टाइम्स. अब क्या होगा, ऑड हो गया या इवन? इवन ऑड हो जाएगा. इवन इवन होगा. इवन इवन होगा पक्का सर. जीरो आ जाएगा ना सर. जीरो? जीरो कहां से आएगा? रिमाइंडर जीरो सर. सॉरी सर, नहीं ऑड या इवन? सिर्फ ऑड इवन. देखो देखो एक चीज देखो, ऑड ही आएगा. तुम भाई तुम किसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो? तुम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हो ना कॉन्सेप्ट. अगर मैं तुमसे ये कहता है कि 16 into 16 15 बार मल्टीप्लाई है, यूनिट डिजिट बताओ क्या होगी, तो क्या कहते सर? हम इस 15 को 2 से डिवाइड भी तो कर सकते हैं. अरे अरे क्यों कर रहा हूँ भैया, ये बताओ मुझे इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी. लास्ट में कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो हमेशा सिक्स आएगा. होगा इवन? तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी अगर क्वेश्चन ये होता तो? 9 हो जाएगी. 1 हो जाएगी. इवन वाला केस मतलब हो जाएगी 1 होगा सर. इवन यस सर. सर अगर इसमें इनफिनिटी लगा होता इसी में तो तब भी सर यही होता मेथड? अगर 6 है, 6 पे ऊपर इन्फिनिटी, तो 6 तो कितनी बार भी होता रहे हमेशा इवन ही आएगा. ओके. नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट. अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, एंड ऑफ द प्रोडक्ट. हमें जीरोस निकालने एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे ये है प्रोडक्ट 5 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 8. इसकी हम देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 15,000. ठीक है. अब वो कह रहा है कि यहाँ जब भी जिनकी मल्टीप्लाई हो रही है, जिनकी मल्टीप्लाई होती है उनको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेंड. मल्टीप्लीकेंड और ये होती है प्रोडक्ट. तो ये जो मल्टीप्लीकेंड है यानी जिनकी मल्टीप्लाई हो रही है, उसमें कोई भी 10 वाला केस तो था नहीं जिसके अंदर जीरो हो. लेकिन जब प्रोडक्ट आ रही तो हमें कितने जीरो मिल रहे हैं? 3. तो ये कहां से आए 3 जीरो? जिनकी मल्टीप्लाई जीरो. गुड. तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं आपस में एक पेयर बन रहा होगा 2 और 5 का. 2 और 5 का पेयर क्या करेगा? एक जीरो देगा. तो यहां कितने पेयर बन रहे होंगे 2 और 5 के? 3 पेयर्स. 3. इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, कितने जीरो मिल रहा है? 3. या जैसे ही इस पर आओ, 10 20 30 40 50 इसकी मल्टीप्लाई है. 10 20 30 40 50 इसकी मल्टीप्लाई कर रहा है तो आंसर क्या आ रहा है? 12 के बाद हमें मिल रहा है 6 जीरोस. लेकिन यहाँ जीरो कितने थे देखो, 1 2 3 4 5. लेकिन आंसर में कितने जीरो है? 6. तो एक एक्स्ट्रा जीरो कहां से आया? 2 5 लाया सर. ये 2 और ये 5, जब इसकी मल्टीप्लाई हुई एक जीरो यहां से आया, बाकी 5 ये जीरो थे पहले से. तो यानी हमें जब भी क्वेश्चन पूछा होगा नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, तो हमें किस पे फोकस करना है? 2s पर एंड 5s. तो 2s और 5 की जिनकी प्रोडक्ट हो रही होगी उससे हमें आंसर मिल जाएगा. तो ये समझ गए, जब भी नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट पूछा है तो किस पे फोकस रखना है? 2 पर और 5 पर.
बाकी और किसी फैक्टर से कोई फर्क पड़ेगा? नो सर सिर्फ टूज और फाइव्स। ठीक है, गुड। अच्छा ये एक छोटा सा क्वेश्चन कि कितने, हम इसे कहते हैं ट्रेलिंग जीरोस, ये वर्ड भी यूज होता है ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस का मतलब होता है जीरोस एट द एंड ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के एंड में कितने जीरो आ रहे हैं उसको हम ट्रेलिंग जीरोस भी कहते हैं। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरो वुड बी देयर इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स। पहले 100 प्राइम नंबर्स की अगर हम प्रोडक्ट करें तो कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे? वन। और कोई बताएगा कितने जीरोस होंगे? ट्रेलिंग जीरोस मतलब प्रोडक्ट के लास्ट में। सर वन ही होंगे आई थिंक। नहीं सर वन। 100 प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है, वन या टू? टू। वन नहीं है? नो सर। गुड, याद रखना वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नॉर कंपोजिट। तो पहला प्राइम नंबर है टू, टू के बाद अगला है थ्री, तो इनकी सबकी प्रोडक्ट हो रही है। फिर है फाइव, फिर है सेवन, फिर है इलेवन, फिर है थर्टीन, इस तरीके से ये चलती जा रही प्रोडक्ट। कितने टर्म्स आएंगे इसमें? हंड्रेड, 100 प्राइम नंबर्स। तो देखो जीरोस पूछे, ट्रेलिंग जीरोस या जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। तो जीरोस किसकी वजह से होते हैं? फाइव और टू का पेयर। तो एक पेयर तो देखो हमें यही मिल गया टू और फाइव, तो एक जीरो तो इसकी वजह से आ जाएगा, वन जीरो तो आ गया। अब बताओ इसके अलावा टू और फाइव आएगा किसी प्राइम नंबर में? नो सर नहीं है। नो सर। बट टू और फाइव तो आ ही नहीं सकता, वरना तो वो प्राइम नंबर ही नहीं होंगे। तो चाहे 100 प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करो, 1000 प्राइम नंबर की करो, 1 लाख प्राइम नंबर की करो, 10 लाख प्राइम नंबर की करो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस हमेशा क्या रहेंगे? तो जो शुरू में टू थ्री और फाइव, तो ये जो टू और फाइव आ गए तो इसकी वजह से ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे? एक जीरो बनेगा। तो फर्स्ट 100 प्राइम नंबर में कितने जीरोस आएंगे ट्रेलिंग जीरोस? वन। अब है जैसे ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, इसमें कितने जीरोस होंगे इस प्रोडक्ट में? ऑप्शन बी, टू रेस टू द पावर 555 इनटू 5 रेस टू द पावर 222। कितने जीरोस बनेंगे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव टाइम्स। ऐसे कितने 2 हैं यहाँ पर? 555 इंटू कितने 5 हैं? 222। तो देखो ये 2 और ये 5 मिलके एक पेयर बनाएंगे, ये 2 और ये 5 मिलके पेयर बनाएंगे, ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 222। ऐसे 222 पेयर्स बन जाएंगे। बाकी क्या होगा? 333 टूज ऐसी रह जाएंगे। तो ये जो 333 टूज बचे, ये जीरोस में कंट्रीब्यूट अब नहीं करेंगे, क्योंकि तो ये जीरो में तभी करते जब ये फाइव के साथ एक मिलके पेयर बनाते। तो यहां पर पेयर बनेंगे 222। तो कितने जीरोस हो जाएंगे एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट? 222। क्योंकि टू और फाइव दोनों मिलके जब पेयर बनाते तब एक जीरो बनता है,
तो अगर 5 कम है हमारे पास 222, तो 222 जो 5 है वो तो 222 टूज के साथ मिलके 222 जीरोस बना देंगे, लेकिन बाकी जो टूज एक्स्ट्रा बचे वो ऐसे रह जाएंगे, उनकी वजह से जीरोस नहीं बनी। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, 222। अच्छा, ऐसी प्रोडक्ट दे रखी हो अगर, अब क्या होगा? तो मतलब सर 25 होगा इसका। ओके, अभी हम मतलब हमने एक चीज क्या समझी, देखो पहले वाले क्वेश्चन से कि टूज एंड फाइव में से जो भी लेस होता है, लेसर नंबर होता है, वो हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो हम थोड़ा शॉर्टकट भी मार सकते हैं कि हम अगर कहीं पे हमें टू और फाइव काउंट करने हैं, तो अगर हम ये देख लें या हमें ये अंदाजा हो जाए इनमें से कौन सा कम होगा, तो सीधा हम उसे ही काउंट कर लें। तो ये चीज हम इसमें लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 की पावर है और 5 की, इसमें से 2 ज्यादा होंगे या 5 ज्यादा होंगे, क्या लग रहा है तुम्हें? 5 ज्यादा होंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो चीज कम होती है। तो इस पूरे में हमें 2s और 5 काउंट करने की जगह हम सिर्फ शॉर्टकट क्या मारे, हम क्या काउंट कर लें सीधे, जो कि कम है। तो लेसर नंबर हमें किसके दिख रहे हैं, देखो 2 की 1 आ रही पावर तो 5 की 2 आ रही है, 2 की 3 आ रही तो 5 की 4 आ रही है, 2 की पावर 9 है तो 5 की 10 है, तो 2 की पावर्स कम होंगी। तो नंबर ऑफ जीरोस किससे डिसाइड होंगे, 2s से। तो 2s की कितनी पावर है, जब ये मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 25। तो 2 हमारे पास कितने हैं, 25 मल्टीप्लाई में 25 टूज है, और 5 जो होंगे वो 25 से ज्यादा होंगे, हमें निकालने की जरूरत नहीं। तो जब पेयर बनेगा तो 2 की वजह से कितने पेयर बनेंगे, 2 और 5 की वजह से 25 पेयर्स, 25। तो कितने जीरोस हो जाएंगे, 25। आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक, यस सर। ओके, अब आते हैं फैक्टोरियल। एक टर्म होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी तुम्हें फैक्टोरियल दे रखा है, मान लो कि 2 फैक्टोरियल, तो हम इसको, ये एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 × 2 यानी कि 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 1 × 2 × 3 यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 1 × 2 × 3 × 4 इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 × 4 = 24। 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 यानी कि 24 × 5 = 120। और 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 = 720। तो ये फैक्टोरियल होता है, इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, यानी 1 से शुरू करके सारे नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करते चलो जब तक कि उस नंबर तक नहीं पहुंच जाओ। यानी अगर मैं कहूँ 100 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 1 × 2 × 3 × 4 कब तक ये मल्टीप्लीकेशन चलेगी, जब तक 100 तक। जो नंबर है वहां तक पहुंचना होता हमें। तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2, 3 मल्टीप्लाई करते रहो जब तक कि n तक ना पहुंच जाओ। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं फैक्टोरियल। तो ये 2 तरीके से सिंबल यूज होता है, जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल है तो एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप का भी लगा होता है, और कभी कभी इस तरीके से लिखा होता है, दिस इज ऑल्सो फॉर फैक्टोरियल। तो समझ गए फैक्टोरियल मतलब क्या है, एक कोई नंबर है जिसको हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं,
इस पैटर्न से लिख सकते हैं, समझो फॉर्मूला तो क्या पैटर्न है एक, कि 1 × 2 × 3 जब तक कि उस नंबर तक नहीं पहुंचे। तो हम यहां से देख सकते हैं कि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, तो ये याद रखनी है तुम्हें, इसलिए मैंने सारी वैल्यू लिखी। 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल इज 120 एंड 6 फैक्टोरियल इज 720। तो 1 से लेके 6 फैक्टोरियल तक वैल्यूज याद रखनी है। 1 फैक्टोरियल होता है 1, और एक स्पेशल केस होता है 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है 1, तो ये एक स्पेशल केस है, इसको अभी याद रख लो। जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब ये चीज आएगी कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आ गया, अभी याद रख लो सिर्फ 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, और इसके बाद 2 फैक्टोरियल 3 4 5 6 हम ऐसे निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई कर करके। तो फैक्टोरियल समझ गए, फैक्टोरियल क्या है, कोई एक नंबर है जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 2 फैक्टोरियल 2 है, 3 फैक्टोरियल 6 है, 4 फैक्टोरियल 24 है, ऐसी 100 फैक्टोरियल भी क्या है, एक नंबर है लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, तो अभी उसकी हम वैल्यू नहीं निकाल रहे, उसको हमने बस ऐसे लिख लिया। तो जो सारी प्रॉपर्टीज नंबर्स के लिए लगेंगी वही चीज फैक्टोरियल के लिए भी होंगी, क्योंकि फैक्टोरियल इन इटसेल्फ क्या है, खुद एक नंबर है। तो समझ गए, फैक्टोरियल नंबर ही होता है, कुछ अलग सी चीज नहीं है। 6 फैक्टोरियल क्या है, 720 है उसका वैल्यू, ठीक है। यहां तक फैक्टोरियल के लिए क्या होते हैं फैक्टोरियल क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही किसी की, समझ में नहीं आया फैक्टोरियल? यस सर, आगे समझ में। वेरी गुड, अब करना है हमें फैक्टराइज करना है फैक्टोरियल को, भाई नंबर को भी तो फैक्टराइज करते थे ना, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल को फैक्टराइज कर रहे हैं। मान लो जैसे 14 फैक्टोरियल है, तो 14 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 कहां तक लिखेंगे, जब तक कि 14 नहीं आ जाए। अब जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम कौन सा फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी ऐसे फैक्टर में ब्रेक करते हैं जो कि क्या होंगे, प्राइम नंबर। अगर कोई कंपोजिट आएगा तो उसे फिर हम फर्दर ब्रेक कर देंगे जब तक कि हमें लास्ट में प्राइम नंबर ना मिल जाए। तो देखो, अगर इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर आएंगे, देखो एक तो 2 आएगा, 2 दिख रहा है यहाँ पे, 2 की मान लो कोई पावर आएगी, ये पता नहीं क्या आएगी, वो बात अलग है। और कौन सा प्राइम फैक्टर आएगा 14 फैक्टोरियल में, 3 आएगा सर, 5 और 7 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, और कौन सा आएगा, 13 सर, 13, और भी कोई आएगा, नो सर और नहीं आएगा। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 17? यस सर। क्या 14 फैक्टोरियल में 17 का फैक्टर आ सकता है? नो सर, नहीं आ सकता भाई। 14 फैक्टोरियल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे आके रुक गए ना तुम, तो इसमें 14 से बड़ा नंबर तो आ ही नहीं सकता कोई प्राइम नंबर, तो 17 तो आ ही नहीं सकता। तो यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो ये फॉर्म होगी कुछ। अच्छा, इसमें 4 6 8 ये सब क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखो 4 अगर आएगा तो 4 तो फिर फर्दर ब्रेक हो जाएगा 2 × 2 में, 6 अगर आएगा तो 3 × 3 में ब्रेक हो जाएगा, तो वो तो 3 और 2 के फैक्टर में ही बन जाएगा फिर, सॉरी 3 × 2, इसीलिए हमने इसके फैक्टराइजेशन में 4 6 वगैरह नहीं लिखे।
तो यानी 14 फैक्टोरियल का जो फैक्टराइजेशन होगा वो इस फॉर्म का कुछ होगा। यहां तक क्लियर? इस चीज से तो एग्री करोगे, इस फॉर्म में कुछ होगा, कुछ टू की पावर होगी, कुछ थ्री की होगी, कुछ फाइव की होगी, कुछ सेवन की होगी, कुछ इलेवन की होगी, कुछ थर्टीन की होगी। अब पावर क्या है वो अलग बात है, लेकिन फैक्टराइजेशन ऐसी होगा। क्लियर यहां तक? यस सर। अब देखो इस पे क्वेश्चन बनता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम इन अ फैक्टोरियल बताओ। तो देखो तुम्हें क्या करना है, सिंपल, अगर तुमसे पूछा 14 फैक्टोरियल के अंदर बताओ 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, यानी अगर हम इसे फैक्टराइज करें तो पहली बात क्या है कि ये सिर्फ प्राइम में ही होगा फैक्टराइज, और वो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, हमेशा 14 से छोटे होंगे। यहां तक अभी हमने पिछली स्लाइड पे थे हम। अब वो कह रहा है इसकी पावर बताओ, जो तुम कह रहा हो कि इसके अंदर 2 raised to the power a आ रहा है, तो a की पावर क्या है 14 फैक्टोरियल के अंदर। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, कोई दिमाग पे जोर नहीं डालना, 14 को डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा 7। 7 को फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3 लेना है, 3.5 नहीं लेना, बस ये याद रखना। 3 को फिर 2 से डिवाइड करो 1, कितना आएगा 1। इनको ऐड कर दो बस, कितना आ गया 11। तो 14 फैक्टोरियल के अंदर जो 2 की पावर होगी वो कितनी होगी 11। बस ये करना है, ये इसका स्टेप है सिर्फ। अगर मैं पूछता 14 फैक्टोरियल में 3 की हाईएस्ट पावर क्या होगी तो क्या करना होता, 3 से डिवाइड करते सर, 3 से डिवाइड 4। ये बस यहाँ रखना, यहाँ पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन कुछ नहीं बनाना है। 4 को फिर 3 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 5। फाइव की पूछते 2। सेवन 2। इलेवन 1। थर्टीन भी 1। बस ये फैक्टराइजेशन हो गया 14 फैक्टोरियल का। तो तुमसे कभी पूरा फैक्टराइजेशन नहीं पूछेगा, वो सिर्फ कोई फैक्टोरियल दिया होगा और उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम कि 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी, 7 की कितनी। तो बस ये करना है तुम्हें, हाईएस्ट पावर करके पूछ सकता है या फिर पूछ लेता है पावर ऑफ, या हाईएस्ट पावर ऑफ 2 That completely divides the given factorial. ऐसे करके पूछ लेता है, divides the given factorial. यानी क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता कि 2 की हाईएस्ट पावर बताओ जो कि 14 फैक्टोरियल को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो 2 की पावर 11 आंसर होगा। तब भी हमें यही करना है क्योंकि 2 की पावर 11 से 14 फैक्टोरियल पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 की पावर 11 है इसलिए। तो ये स्टेप क्लियर हो गए? जिस प्राइम की भी गिवन फैक्टोरियल में पावर पूछी होगी या हाईएस्ट पावर की कंप्लीटली डिवाइड कर दे इस तरीके से, तो हमें क्या करना है उस फैक्टोरियल को जो भी गिवन प्राइम है उससे डिवाइड करते जाओ जब तक कि 1 या ऐसा नंबर ना आ जाए कि फिर वो फर्दर डिवाइड ना हो, उन सबको ऐड कर दो। अच्छा ये हो क्यों रहा है, कोई ये बता सकता है ऐसा हो क्यों रहा है? अब आते हैं मेन चीज पर, ऐसा हो क्यों रहा है। पहले मैंने इसमें क्या पूछा है,
ये हम क्यों कर रहे हैं, हमने कहा कि 14 फैक्टोरियल में 2 की पावर बताओ क्या होगी हाईएस्ट पावर, तो हमने जो 2 की पावर ए निकालने के लिए क्या किया, 14 को 2 से डिवाइड किया 7 आया, 7 को फिर 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को फिर 2 से डिवाइड किया 1, और हमने कह दिया 11, कि 14 फैक्टोरियल के अंदर 2 रेस टू द पावर 11 है, बाकी जो कुछ है उसमें कोई 2 की पावर नहीं होगी, सिर्फ 2 की पावर इतनी ही हो सकती है। ये हमने ऐसे कैसे निकाल दिया कि भाई डिवाइड बाय 2 करो फिर 2 से करो फिर 2 से करो। सर बाकी जो कंपोजिट नंबर है उसमें भी तो 2-2 आते हैं, तो अगर ऐड करते तो शायद ये। देख लो अब जरा समझ लो, ये थोड़ा समझने वाला लंबा प्रोसेस था इसलिए मैंने बाद में बताया, पहले फार्मूला बता दिया। ये टॉपिक ऐसा है कि इसका फार्मूला बहुत इजी है, समझने में थोड़ा दिमाग लग जाता है। भाई ये है फैक्टोरियल, ये पूरा था, कहां तक मल्टीप्लाई होगी, 14 तक। देखो 14/2 7, इसका मतलब है इसके अंदर कितने टूज आ गए, 7। तो देखो कितने टूज आए, एक यहां है 2, एक 2 इसके अंदर है, 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 कितने हो गए देखो टूज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा। तो कितने टूज मिल गए जब मैंने 14 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 7 टूज, यानी 7 ऐसे फैक्टर हैं जिसके अंदर कम से कम 2 का एक फैक्टर तो जरूर है। एग्री इस स्टेप को समझे फॉर्मूले के? यस सर। ठीक, अब हमने क्या करा, 14 को हमने डिवाइड किया एक्चुअल में 2 स्क्वायर से, जो मैं कह रहा था ना 7 को 2 से डिवाइड कर दो, वो मतलब वही था कि 14 को 2 स्क्वायर से डिवाइड किया, यानी हमने ऐसे टर्म्स निकालने हैं जिसके अंदर 2 के 2 फैक्टर्स हो। किस किस में होंगे 2 के 2 फैक्टर्स, 4 में, 8 में और 12 में। 12 कितने नंबर्स आए ऐसे, 3। यस सर। यस सर। तो कितने टूज हो गए हमारे पास, पहले राउंड के 7, दूसरे राउंड के 3, 10 हो गए। फिर हमने कहा नहीं अभी एक चीज और चेक कर लो, क्या पता कोई ऐसा हो जिसके अंदर 3 फैक्टर हो टूज के, किस में होंगे, 8 में सर। तो एक ऐसा भी है, अब हमने कहा कि लास्ट एक और चेक कर लेते हैं, क्या कोई ऐसा जिसके अंदर 4 फैक्टर हो 2 के, यानी कि 16। तो हमें पता 14 पे रुक गए हम, 16 वाला कोई नहीं है, तो हमारा ये स्टेप इसलिए यहाँ के रुक जाता है, जैसे 1 या ऐसा नंबर आए कि अब फर्दर डिवाइड नहीं होता हम रोक देते हैं। अब इनको सम कर दो तो कितने टूज आ गए, 11। तो एक्चुअल में इस फार्मूला का मतलब ये है, हम ऐसे राउंड वाइज जितने टूज 3-4 होते हैं उन्हें पिक करते हैं, 4 नहीं 2-3-5-7 जितने भी प्राइम होते हैं। तो इसलिए 14 डिवाइड बाई 2 7, तो अगला स्टेप क्या है एक्चुअल में 14/2 स्क्वायर है, लेकिन ये ऐसे 2 स्क्वायर 2 क्यों बताऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो हम ऐसे करते हैं 14/2 किया 7, 7 को फिर 2 से डिवाइड कर दो और जो आए उसको फिर 2 से डिवाइड कर दो। तो वी गॉट द आंसर कि इसके अंदर कितने हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है, 2^11। तो हमने सारे 2s हटा लिए, अब जो भी फैक्टर बचे उसमें कोई भी 2 नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको ये भी कहते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम इन अ फैक्टोरियल, या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम दैट कंप्लीटली डिवाइड द फैक्टोरियल, इसका मतलब भी यही है कि 2 की कौन सी पावर है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकती है, हाईएस्ट पावर। तो 2 की पावर 11
तक ही ये डिवाइजेबल होगा, 2 की पावर 12 नहीं है इसके अंदर। तो स्टेप बिल्कुल सिंपल है, जो भी फैक्टोरियल दिया है उसको गिवन प्राइम से डिवाइड करते चले जाओ और सबका सम कर दो। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में, हम क्या कर रहे हैं वो ये चीज है, हम ऐसे कर रहे हैं राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री, अब इसके बाद बचेगा ही नहीं तो आगे जरूरत ही नहीं है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक, तो फार्मूला सिंपल है, वर्किंग सिंपल है, लेकिन पीछे वर्किंग ये हुई थी इसकी, तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। जैसे ये कह रहा है हाईएस्ट पावर ऑफ 3 in 30 factorial, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई पूरा फैक्टोरियल नहीं लिखना, राउंड वाउंड नहीं करना, तुम्हें सिर्फ क्या करना है 30 divided by 3 कितना हो गया 10। अब डायरेक्ट 10 को ही 3 से फिर डिवाइड कर दो, 3 फिर 3 को फिर से डिवाइड कर दो, 1 कितने आ गए 14। बस, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 3 in 30 factorial is 14, यही आंसर है। ठीक, लेकिन एक्चुअल में हमने क्या करा पीछे कि हमने इसके वो देखे होंगे 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 ऐसे करके ये फैक्टर होंगे सब, ये 30 factorial है ये पूरा नंबर। जब हमने कहा कि कितने 3 वाले फैक्टर हैं तो ये हो गया 3, 6, 9, 12 ऐसे कितने फैक्टर हुए होंगे पहले राउंड में 10। फिर हमने कहा कि 3 square 3 के कम से कम 2 फैक्टर, तो वो किस किस में होंगे, एक 9 में होंगे, एक 18 में होंगे और एक 27 में। तो ये वो 3 आ गए, वो नंबर जिनमें 3 के एटलीस्ट 2 फैक्टर थे। फिर हमने कहा 3 cube, तो एक नंबर ऐसा भी है, हाँ 3 cube वाला भी है जिसके अंदर 3 के 3 फैक्टर है, दैट इज 27। तो 10 + 3 + 1 मिलके कितना हो गया 14। तो हाईएस्ट पावर जो है 30 factorial में वो क्या है 3 की पावर 14, और इनटू एक नंबर ऐसा है ये इन सारे बाकी जो बचे प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी 3 नहीं है। तो समझिए बिल्कुल वर्किंग सिंपल, फैक्टोरियल दिया है जो भी प्राइम है उससे डिवाइड करते चले जाओ। अब अगर कंपोजिट आ जाए तो ये तो अभी हमने किसके लिए पढ़ा, प्राइम के लिए, हाईएस्ट पावर ऑफ 8 in 25 factorial इसको कैसे करोगे, 25 फैक्टोरियल में 8 की पावर क्या होगी, 2 का पावर 3 करके। तो 8 को कंपोजिट को कभी भी प्राइम वाले मेथड से नहीं करेंगे कि हम ऐसे कर देंगे 25/8 यार है 3 तो बस आंसर 3 हो गया, ये गलत हो जाएगा। वो सिर्फ प्राइम के लिए हमारा मेथड है, कंपोजिट के लिए नहीं है। तो कंपोजिट के लिए क्या करें, तो हम कहेंगे कि भाई 8 का मतलब है 2 raised to the power 3, तो पहले 2 के निकाल लो, 2 की हाईएस्ट पावर बताओ 25 फैक्टोरियल में कितनी होगी, तो क्या करोगे 25/2 कितना हो गया 12, फिर इसे 2 से डिवाइड कर दो 6, फिर इसे 2 से कर दो 3, फिर इसे 1 18 एंड 3 21 एंड 1 22। तो 25 फैक्टोरियल में कितनी 2 की पावर आ गई 22 इंटू एन, कोई नंबर है जिसमें कोई 2 और इन्वॉल्व नहीं है, तो कितने 2 आ गए हमारे पास 22, यानी 2 × 2 × 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे होंगे 22 टाइम्स इंटू कोई एक
अलग नंबर है जो कि इसके अंदर कोई टू नहीं है। अब ये बताओ हमें क्या चाहिए थी, पावर ऑफ एट। तो कितनी पावर ऑफ एट बनेगी इसमें अगर डिवाइड बाय थ्री कर देंगे सर? गुड भाई, तीन टू मिलके एक एट बना रहे हैं, तो अगर 22 टूज हैं तो कितने एट बनेंगे? सेवन। क्या सेवन भाई, सेवन थ्री जो 21, 21 टूज मिलके बना देंगे सेवन एट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी सेवन टाइम्स, और एक टू ऐसे रह जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है। तो एट की कितनी पावर आ जाएगी इसमें? आंसर विल बी सेवन। तो समझिए क्या करना है हमें इसमें, कंपोजिट को प्राइम में ब्रेक करना है और फिर जो भी प्राइम इन्वॉल्व है उनकी पावर देख लो, उससे हमें आंसर मिल जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? सेवन कैसे आया, क्लियर हो गया? यस सर क्लियर। सिक्स दैट डिवाइड 50 फैक्टोरियल, हाईएस्ट पावर ऑफ सिक्स। देखो लैंग्वेज देख लो, या तो डायरेक्ट हाईएस्ट पावर पूछेगा या फिर कहेगा हाईएस्ट पावर ऑफ सिक्स दैट कैन डिवाइड 50 फैक्टोरियल कंप्लीटली। दोनों का एक ही मतलब है कि तुम्हें हाईएस्ट पावर निकालनी है उसके अंदर। तो सिक्स कंपोजिट है, सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री। अब 50 देखो, 50 फैक्टोरियल के अंदर कुछ 2 की पावर भी होगी, कुछ 3 की पावर भी होंगी, कुछ 5 की भी होंगी। कौन से प्राइम तक होंगी? 50 से छोटे प्राइम नंबर तक। 47 होता है प्राइम, आई थिंक 47 रेस टू द पावर एक्स ले लेते। तो इतने फैक्टर होंगे, देखो ये सारे फैक्टर्स होंगे 50 फैक्टोरियल के अंदर, लेकिन हमें सिर्फ किस पर ध्यान रखना है, 2 पर और 3 पर। इसलिए हम जो पावर निकालेंगे वो 2 और 3 के निकालेंगे सिर्फ, बाकी और से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये सारे हैं इसके अंदर 50 फैक्टोरियल के अंदर, ये याद रखना कि खाली 2 3 नहीं है कि हम हर क्वेश्चन में 2 3 कर रहे हैं, बाकी सारे हैं लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 2 और 3 देखना है। तो 2 कितने 2s होंगे इसमें 50 फैक्टोरियल में, 2 की कितनी पावर होगी? अब जरा तुम बताओ निकाल के। और 3 की कितनी होगी? 3 की 22 होगी, यानी हम लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 रेस टू 2 की 47। 2 की 47 यही आ रहा है सबका, और ये सब कुछ होगा जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, यही आ रहा है, 2 की पावर 47 आ रही है और 3 की 22 आ रही है। यस सर। अब क्या करेंगे, आंसर क्या होगा, 6 की हाईएस्ट पावर क्या? 22 सर, लेसर सबसे कम बात। वेरी गुड, आंसर होगा 22, क्योंकि देखो एक 6 के लिए एक 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। हमारे पास 2 तो है 47, लेकिन 3 कितने हैं सिर्फ 22। तो ये 3 और 2 मिलके 6 तो बना देंगे 22, लेकिन बाकी जो 2s है वो ऐसे बचे रह जाएंगे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 6 हो जाएगी इस केस में 22, दैट विल बी द आंसर। तो हम इसमें डायरेक्ट भी इस बात पे आ सकते थे कि भाई 6 बनाने के लिए एक 2 चाहिए एक 3 चाहिए, लेकिन 3 की पावर कम होंगी भाई, जितना बड़ा प्राइम होता जाएगा उसकी पावर छोटी होती चली जाएंगी, उतने कम फैक्टर होंगे उसके। तो हम डायरेक्ट 3 के निकाल के आंसर बता सकते थे, लेकिन वैसे निकालने में देर नहीं लगती तो आप 2 और 3 दोनों निकाल लेते। ये 2 की पावर तो सबकी आ रही है ना, 47 और 3 की 22, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। नो सर। वेरी गुड। 12 दैट कैन डिवाइड, देखो लैंग्वेज से हाईएस्ट पावर दैट कैन डिवाइड, इसका मतलब वही हाईएस्ट पावर ही निकालनी। अब 12 का क्या मतलब है, 2 into 2 into 3,
यानी दो टू और एक थ्री। तो तुम्हें 30 फैक्टोरियल में किस किस की पावर निकालनी है? टू की और थ्री की, बाकी और किसी से मतलब नहीं। तो टू की कितनी पावर हो जाएगी 30 फैक्टोरियल में? 26 26 26। और थ्री की कितनी हो जाएगी? 14 14 इनटू समथिंग। इसमें ये 5 7 11 ये सारे प्राइम है जिसकी हमें कोई क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। अब बताओ आंसर क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ 13 13 13। वेरी गुड। देखो 26 टूज है, यानी टू कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 26 टाइम्स। और थ्री कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 14 टाइम्स। अब 12 बनाने के लिए दो टू चाहिए और एक थ्री चाहिए, तो दो टू का पेयर, यानी एक तरीके से ये क्या है, 4 × 3 है। तो 4 बनाने के लिए दो टू चाहिए, तो कितने 4 बन जाएंगे? 13। 26 थे ना, तो कितने 4 बनेंगे? 13। और 3 कितने हैं हमारे पास? 14। तो अब की बार क्या हो गया, 2 ही कम पड़ गया। वो टोटल 2 तो ज्यादा थे, लेकिन दो 2 चाहिए हमें, एक 12 बनाने के लिए दो 2s चाहिए, तो इस बार 13 ही रह जाएंगे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 12 जो होगी वो इस केस में क्या होगी? 13। अच्छा, अब इस पे आओ जरा। क्वेश्चन, डिजिट इन 100 पोजीशन। अब देखो यूनिट डिजिट की बात नहीं हो रही, कौन सी पोजीशन की बात हो रही है? 100 ऑफ द प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 × 4 × 5 × 6। तो क्वेश्चन में देखो, देख के क्या करो, 1 2 इनकी वैल्यूज लिख रहा हूं मैं। 3 फैक्टोरियल इज 6 4 फैक्टोरियल इज 24 5 फैक्टोरियल इज 120 6 फैक्टोरियल इज 720। तो एक चीज तो देखो क्लियर दिख गई कि लास्ट में 2 जीरो तो होंगे, है ना, 1 जीरो ये आया 1 जीरो ये आया। अब ये जो प्रोडक्ट बची, इसकी यानी 100 से मल्टीप्लाई हो रही, एक तरीका ये है, तो 2 जीरो तो आने आने हैं। यानी अगर इस प्रोडक्ट की मैं लास्ट डिजिट निकाल लूं, तो वो क्या होगी, क्वेश्चन की 100 पोजीशन हो जाएगी। यानी मेरा जो क्वेश्चन है वो इसमें रिड्यूस हो गया, मुझे सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में 2 जीरो तो आने हैं। तो इसकी लास्ट डिजिट विल बी द आंसर। तो क्या होगी लास्ट डिजिट? 6। तो देखो लास्ट डिजिट के लिए अभी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, क्या बचा? अब देखो 2 2 4 4 4 16। जैसे तुम 10 से बड़ा नंबर पे आए, तुम फिर एक सिंगल डिजिट लिख लो, 6 2 12 यानी 2, ये आना चाहिए आंसर। भाई यूनिट डिजिट चाहिए तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखो ना, जैसे ही 2 डिजिट हो रही है तो 1 डिजिट हटा दो। 2 2 4 4 4 16 हुआ, तो 16 में इस 1 की क्या जरूरत है, मुझे तो यूनिट डिजिट चाहिए ना। 6 2 12 इससे 1 से क्या मतलब है, छोड़ो, 2 6 ये आ गया आंसर। यानी इसकी अगर मैं प्रोडक्ट करूं, 2 जीरो आएंगे और 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी? देखो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा था ना,
अगर प्रोडक्ट हो रही होती तो सिर्फ हमें यूनिट जो लास्ट डिजिट होती है उसी से मतलब होता, बाकी और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। ठीक, इसलिए हम जब भी डबल डिजिट बने दूसरी टेन वाले को हटाते चले जाओ। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस 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 इज डिविजिबल बाय इज डिवाइडेड बाय फाइव। वन फैक्टोरियल प्लस टू फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल कहाँ तक गया? 151 फैक्टोरियल। इसको अगर मैं फाइव से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा? क्वेश्चन इज दिस, क्या होगा? ऑप्शन फोर सर, टू। ऑप्शन फोर, हाँ थ्री थ्री सर। यस सर, ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर आ रहा है। तो कैसे करेंगे? देखो अब ये तो 151 फैक्टोरियल तक पता नहीं कितने बड़े नंबर हैं, तो पहले इनको रखना शुरू करो जो हमें पता है, पहले उनकी वैल्यू तो रखो कम से कम। वन प्लस टू प्लस सिक्स प्लस 24 प्लस 120 प्लस 720, तो 6 फैक्टोरियल तक तो याद कर लो कि ये है। अब इसके ऊपर कुछ वैल्यूज आ रही हैं, कहाँ तक जा रही है ये? 151 फैक्टोरियल तक। अब जरा इसका सम करो पहले तो, इन चार का क्या आ रहा है सम? 33 एंड में 3 आएगा सर, है ना? अब देखो 33 के बाद ये सारे जो नंबर्स हैं, देखो इनके यूनिट डिजिट पे क्या आने लगा? जीरो। ये 6 फैक्टोरियल था, अगर मैं 7 फैक्टोरियल निकालूंगा तब भी मैं क्या करूंगा? 720 इंटू 7 करूंगा, यानी जीरो जरूर आएगा यूनिट डिजिट पे, यानी 4 फैक्टोरियल के बाद से जितनी भी वैल्यूज है उनके यूनिट डिजिट में क्या होगा? जीरो। यानी मैं अगर इन सबका सम करूं तो मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूं कि यूनिट डिजिट पे 3 होगा, बाकी और नंबर मुझे नहीं पता क्या होंगे। यहां तक एग्री करोगे कि लास्ट इस पूरे सम को अगर हम करें 1 फैक्टोरियल से 151 फैक्टोरियल, तो यूनिट डिजिट क्या होगी उसकी? 3। भाई देखो ये 33 आया, इसके नीचे अगर मैं 120 ऐड करूं, उसके नीचे 720 करूं, और फिर 7 से मान लो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू भी निकाल लूं मैं, 7 2 14 और दिस 5040, तो आगे कुछ भी आता रहे यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या रहेगा? 3 होगा यूनिट डिजिट पे। 3 ये सर वो। और अगर यूनिट डिजिट पे 3 है तो अगर हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर भी क्या होगा? 3 होगा सर। तो 13 हो, 23 हो, 33 हो, 1033 हो, 1 लाख कुछ भी लगा दो, उसके लास्ट में 3 है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 3। तो आवर आंसर विल बी 3। तो ये जो इतने सारे फैक्टोरियल लिखे ये सिर्फ डराने के लिए थे, एक्चुअल में काम किसका था? शुरू के 4 फैक्टोरियल थे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ। राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज, इसका मतलब यह है कि 20 रेज टू द पावर 53 है, इसका मतलब क्या है? 20 इंटू 20 इंटू 20 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 53 टाइम्स। तो हमें ऐसा नंबर मिलेगा जिसके लास्ट में कितने जीरोज होंगे? 53 सर, 53 जीरोज होंगे। तो वो कह रहा है राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले, लेकिन यहाँ पर जब जीरो खत्म हो जाएंगे तो यहाँ एक डिजिट आएगा। सर टू आ जाएगी। ओके अभी देख लेते हैं। टू आएगा। तो वो कह रहा है कि
ये डिजिट बताओ, ये डिजिट कौन सी होगी? यहां पूरा नंबर है, लास्ट में एक डिजिट आई, उसके बाद जीरो शुरू हो गए, तो इस डिजिट को पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरो। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा एक्चुअल में किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, वो ये फॉर्म हो गई। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी वजह से तो जीरोस आ गए सारे। अब ये जो राइट मोस्ट डिजिट होगी वो इस 2 raised to the power 53 की यूनिट डिजिट होगी, यानी हम 2 raised to the power 53 की यूनिट डिजिट निकाल लें, वही हमारी ये वाली डिजिट होगी। तो 2 raised to the power 53 का मतलब कौन से ग्रुप में राइट है? 4 रिमाइंडर वन सर 2, तो 53 को 4 से डिवाइड कर दो, आई थिंक 52 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 वाली पहले ही केस। तो कौन सी डिजिट होगी? 2। ये अब हम चलो कर ही लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट रिमाइंडर वाला करेंगे। अब क्या है, फैक्टोरियल के एंड में पूछ रहा है जीरोस क्या होंगे, यानी जैसे मान लो 75 फैक्टोरियल दे रखा है, तो 75 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 1 × 2 × 3 × this, कब तक मल्टीप्लाई होगी? 75 तक। तो वो कह रहा है कि इस प्रोडक्ट में बताओ, जब ये फाइनल प्रोडक्ट करके आंसर लिखा जाएगा तो इसमें कितने जीरोस आएंगे एंड में, जीरोस एट द एंड या फिर ट्रेलिंग जीरोस। तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा था जीरोस किसकी वजह से आते हैं, 2 and 5 के पेयर की वजह से, यानी इन दोनों में से जो भी कम होगा। ठीक, तो कोई अगर फैक्टोरियल है तो हम उसमें निकाल सकते हैं कि उसमें 2 की पावर कितनी और 5 की कितनी है। 75 फैक्टोरियल में कितनी होगी, 2 की पावर कितनी होगी बताओ मुझे, और 71 और 5 की कितनी होंगी, 18 और इसमें 3 की भी होंगी, 7 की भी, ये सारे होंगे, लेकिन इन सबसे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्या चाहिए, 2 और 5। तो अगर सिर्फ फैक्टोरियल गिवन है तुम्हें तो 5 की पावर हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो यानी तुम्हें अगर कोई भी फैक्टोरियल देके नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है तो तुम सीधे क्या करो, उसके अंदर 5 की पावर निकाल लो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 75 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे, 18। जीरोस बनते हैं 2 और 5 की वजह से, किसी भी फैक्टोरियल में हम 2 और 5 की पावर निकाल सकते हैं, 2 की पावर ज्यादा होती है, 5 की पावर कम होती है, इसलिए हम डायरेक्टली 5 की निकाल लें, उसी से हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ये है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, कितना? आ रहा है सबका आंसर, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल? यस सर। भाई हमें देखो क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट क्या है, 100 में से 5 की पावर निकालनी, यानी कि कितना हो गया 20, इसको फिर 5 से डिवाइड करो 4, अब ये डिवाइड नहीं होगा, ये आंसर। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × कहां तक मल्टीप्लाई होगी, 100 तक। तो इसमें 2 की भी कुछ पावर होगी, 3 की भी कुछ पावर होगी, 5 की भी कुछ पावर होगी, 7 की भी कुछ पावर होगी, ऐसे प्राइम नंबर कहां तक आएंगे, 100 से छोटा, मान लो 97 है। तो ये सारे हैं, लेकिन हमें चाहिए जीरो। जीरोस कौन बनाता है, 2 और
टू और फाइव, फाइव टू और फाइव का पेयर, एक पेयर एक जीरो बनाता है, तो हमेशा इसमें टू की पावर ज्यादा होंगी क्योंकि छोटा फैक्टर है, और फाइव की पावर कम होंगी, तो क्योंकि फाइव की पावर कम रह जाएंगी तो हम हंड्रेड फैक्टोरियल में क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ फाइव निकाल रहे हैं, वो कैसा आता है हंड्रेड बाई दिस, फिर ये फाइव से डिवाइड हो जाएगा दिस, यानी इस पूरे जो प्रोडक्ट है इसके अंदर फाइव की पावर ट्वेंटी फोर है, और बाकी कुछ टू की हैं, थ्री की हैं, सबकी हैं, लेकिन जीरोस टू और फाइव से बनता है, तो टू की जो भी पावर होगी वो 54 से ज्यादा होगी, वो सॉरी 24 से ज्यादा होगी, और फाइव की 24 है, तो जीरोस कितने बनेंगे, 24 ही बनेंगे बस, बाकी जो टू बचे रह गए उनका कोई काम नहीं है। क्लियर, एकदम शॉर्ट में समझ गए, जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल, फाइव से डिवाइड करते चले जाओ, सबको सम कर दो आंसर। लेकिन कभी कभी, बस ये लास्ट के दो क्वेश्चन है आज की क्लास के, कभी तुम्हें फैक्टोरियल नहीं दिया होता, ऐसे प्रोडक्ट दे रखी होती कि इसमें बताओ कितने जीरोज होंगे, तो देखो ये पहला क्या है, फाइव इंटू वन है, दूसरा क्या है फाइव इंटू टू है, फिफ्टीन को हम लिख सकते हैं फाइव इंटू थ्री, फाइव इंटू फोर, देखो इस तरीके की एक सीरीज चल रही है, और कहां तक जा रही है ये, 5 इंटू 150 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 30, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस, तो अभी भी और सिंपलीफाई करना पड़ेगा, अभी भी कुछ लॉजिक नहीं बन रहा, तो 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, देखो यहाँ पे 30 टाइम्स, वेरी गुड, और क्या बचा रह गया, 1 into 2 into 3 into 30 factorial into 30, अब देखो 1 into 2 into 3 into 4 into 30, इसी को तो हम फैक्टोरियल कहते हैं। अब कुछ लॉजिक समझ में आने वाली चीज भी फॉर्म में आ गया, ये प्रोडक्ट है हमारे पास 5 raised to the power 30 into 30 factorial, अब इसमें कितने जीरोज होंगे, जो जितने नंबर ऑफ टूज होंगे सर, टूज पे डिपेंड करेगा, गुड, तो इस बार देखो अभी हम सिर्फ 30 फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, फैक्टोरियल में हमेशा 2 और 5 की वजह से 0 बनेंगे, तो कितने 2 की पावर कितनी होगी इसके अंदर, कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइड बाय 2 15 को फिर 2 से डिवाइड करो 7 को फिर 2 से करो 3 फिर आ गया 1 26, 5 कितने होंगे 30 by 5 6 फिर से 5 हो जाएगा 1 7 into बाकी सारे हैं, देखो इसके अंदर सारे प्राइम हैं लेकिन उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, 3 भी है, 11 भी है, 7 भी है, 29 तक जो भी है इसमें सब है, लेकिन इनसे हमें कोई मतलब नहीं, जीरोस के लिए हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए। देखो इसमें डायरेक्ट मैंने 5 नहीं लिखा, दोनों लिखे हैं, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर 5 पहले से 30 ऑलरेडी है हमारे पास, तो इस बार एक्चुअल में क्या हो रहा है कि 2 कम पड़ जाएंगे हमारे पास और 5 ज्यादा हो जाएंगे, इनटू ये वाले टर्म भी आ रहा है जिसमें ना तो कोई 2 है ना ही कोई 5 है, 2 5 के अलावा सारे प्राइम है, तो हमारे पास 5 कितने हो गए, 30 plus 7 37 कितने 5 है 37 हो गए, और 2's कितने रह गए 26, तो कितने जीरोस बनेंगे, यानी कितने पेयर बनेंगे 5 और 2 के, 26, our answer will be 26, तो ऐसी प्रोडक्ट को अगर हम करें तो एंड में कितने जीरोस आएंगे 26। चलो बस एक जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोस एट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 60 मल्टीपल्स ऑफ 10, प्रोडक्ट ऑफ
फर्स्ट 60 मल्टीपल्स, तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं, ये मल्टीपल ऑफ 10 है, कहां तक है ये 600 तक, ये है फर्स्ट 60 मल्टीपल्स, इनकी अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड पूछ रहा है, यानी 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 600, तो सब भी 10 10 के जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 60, तो कितने 10 आ गए यहाँ पे हमारे पास, 60 इंटू क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, 60 फैक्टोरियल। अब देखो ये आ गई फॉर्म, अब देखो 10, 10 में 2 और 5 दोनों बराबर क्वांटिटी में है, जितने 2 हैं उतने ही 5 है, तो हमें ये बता ही रहा है यहाँ पे कि कितने जीरोस आ रहे हैं, 60 जीरो तो इसकी वजह से आ ही रहा है, ठीक है, 10 रेस टू द पावर 60 की वजह से कितने जीरोस आ जाएंगे, 60 जीरोस। अब हमें इस ये निकालना है इसमें कितने जीरोस होंगे, तो देखो सिर्फ 60 फैक्टोरियल में निकालने, तो अब हम मैं 2 नहीं निकालूंगा, अब सीधे किससे निकाल दूंगा, 5 से, 12 फिर 2 से फिर 5 से डिवाइडेड 14, यानी 60 फैक्टोरियल में कितने जीरोस हैं, 14, तो जब इनकी मल्टीप्लाई हो रही 10 रेस टू द पावर 60 में 60 जीरोस हैं और 60 फैक्टोरियल में 14 जीरोस है, तो जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो टोटल जीरोस कितने हो जाएंगे, 74, दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर विल बी 74, तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 60 मल्टीपल ऑफ 10 कितने जीरोस होंगे, 74, तो ये नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड भी कहते हैं, ट्रेलिंग जीरोस, तो ये वर्ड याद रख लो, डायरेक्ट दे रखा हो, ट्रेलिंग जीरोस मतलब यही है, क्लियर, यस सर, यस सर, तो ये था हमारी आज की क्लास का, कल पहले तो अच्छा ये बताओ किसी को क्वेश्चन तो नहीं जो हमने आज पढ़ा, साइक्लिसिटी यूनिट डिजिट से हमने शुरू किया था।